आज मेरे बेटे को 3 महीने कंप्लीट हो गए, तो आज मैं आपको अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन कराती हूँ, क्योंकि मैंने इसका ना इंट्रोडक्शन आपसे करवाया ही नहीं है, और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बहुत अच्छी हालत में हूँ। तो सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं ब्लॉगिंग में, और आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, तो मैं आज आपको इसके बारे में खूब सारी बातें बताऊंगी और कुछ अपने बारे में बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं इस टाइम कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं संतोषी और ये है मेरी प्यारी सी बेटी गुनगुन, जिसका नाम मैंने कुछ और रखा है, ये घर का नाम है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। इसके पीछे की स्टोरी भी बताती हूँ आपको कि क्या था। तो मिलिए मेरी प्यारी सी बेटी गुनगुन से, जो 3 महीने की हो गई है, और ये इस टाइम मैंने इसको इतना तंदुरुस्त करके रखा हुआ है, बहुत मेहनत करी है इसके पीछे, वो भी अकेले। तो बहुत सारे चैलेंज था मेरे लिए इसको संभालना। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने ब्लॉग में अपनी बेटी का, क्योंकि ये आज पूरे 3 महीने की कंप्लीट हो चुकी है और इसका चौथा लगा है, तो अब इसका चौथा महीना शुरू हो गया। और रही बात मेरी हेल्थ की, तो वो बिल्कुल ऐसी है, फाइनली ऐसी है, और मेरा मेंटल हेल्थ भी अब ऐसा है, तो मेरी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है इसके साथ। तो फाइनली इसे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा 3 महीने मैंने इसकी बहुत अच्छी देखभाल करी है, मर मर के देखभाल करी है मैंने इसकी, और उसको बहुत अच्छे से रखा है, इसकी देखभाल मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। और सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, कि ये जब पैदा हुई थी तो उसका वेट कितना था, तो इसका जो वजन था ना बर्थ टाइम में, वो था 3.5 kg के आसपास, 3.5 किलो पड़ता है। और मेरा जो वेट था, बॉडी वेट उस टाइम, मैं थी 79 kg के आसपास, और अभी करंटली मेरा वेट है 70 kg। जो पिछले ब्लॉग में था ना, जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था उसका वैक्सीनेशन वाला ब्लॉग, उसमें मैंने बताया था 70 किलो मेरा इस टाइम वेट है, जो अभी तक कम नहीं हुआ। 1 किलो 2 किलो कभी गिरता है कभी बढ़ जाता है, तो जिस तरह से मैं अपनी डाइट फॉलो करती हूँ उस हिसाब से होता है। तो इसका जो वजन है इस टाइम करंटली ये 5.5 किलो की है, और मैं इसको बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। अभी टोटली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ब्रेस्ट फीड पे, मैंने अभी तक इसको कुछ खिलाया नहीं है। इसका जो स्लीप पैटर्न है वो 8 घंटे सोना और 8 घंटे जागने का है, जो मुझे बहुत परेशान करता है। 2 बार मैं इसकी मसाज करती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। कभी कभी मॉर्निंग में छूट जाता है, जैसे ये लेट उठती है, मेरी नींद नहीं खुल होती, पर इवनिंग में डेली करती हूँ होता है। और ये बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिवेस मैं बताती हूँ कैसे मैं पता किया था मैंने ये एक्टिव है। ये पैर ज्यादा चलाती है, हाथ ज्यादा चलाती है, और जुबान ज्यादा चलाती है, करती है ऐसी चीजें ये करती है। अभी भी करेगी अगर लाइट में दिखाओ तो, है ना गुनगुन? और ये बात जो ये आपको लाड़ दिख रही है ना, ये लाड़ ना, ये जब बच्चे स्पीकिंग करते हैं, मतलब बोलने की कोशिश करते हैं, तब निकलता है, क्योंकि हवा वो अंदर से बाहर फेंकता है ना तब। और आजकल ऐसे एक और नई चीज सीखी करने की, अब इसे नींद आ रही है। तो और आज मैं आपको इसके बारे में एक बात और खास बताती हूँ। मेरी बेटे का नाम ना गुनगुन, घर का नाम है, इसका रियल नेम रखा है, मैंने आपको अनाउंस करते हूँ। वैसे मैंने सोचा था ये चीज मैं किसी स्पेशल डेज में करूंगी, या फिर अपना पूजा जो जिस दिन करवाई थी उस दिन वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी, पर मैंने वो ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने अपनी बेटी का जो नामकरण किया है खुद से किया है, और इसे सर्च करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत अपनी मर्जी से नाम रखा है। तो बताओ मैं आपको नाम उसका, इसका नाम रखा मैंने आश्री सैनी। इसके पिता की कास्ट है, और इसके पिता का नाम है अमन सैनी, मैं संतोषी, क्योंकि मैं सैनी यूज नहीं करती हूँ, तो इसलिए संतोषी। और तो ये है हम तीन दोनों का इंट्रोडक्शन। आपको आप बता दो आपको अपने बारे में, तो मेरा जो कमर का पेन है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इसको मैं दिन में 5 से 6 बार फीट कराती हूँ, तो जो पेन होता था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब ब्रेस में मेरा पेन नहीं होता, मतलब इसको खत्म होने में लगभग पूरा टाइम लगा है, 1.5 महीने बाद होगा पेन होता था, लेकिन अब 3 महीने बाद बिल्कुल खत्म हो गया पेन। और चौथी बात मैं आपको बताती हूँ, मेरा वेट जैसा कि आपको पता है 70 किलो है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे कम करने की, पर अभी तक नहीं हुआ। बॉडी की बात करूँ तो मैं आपको अपनी बॉडी भी दिखा दूंगी यहाँ पे इस साइड, तो कैसी हालत है आप मुझे देख ही सकते हो। करंटली पेट बाहर निकला हुआ है, चर्बी लटक रही है, ये इसको इससे पैदा करने के चक्कर में बॉडी की हालत हो गई है, तो कोशिश करूंगी इसको मेंटेन करने की।
फिलहाल तो मेरा पूरा दिन इसका ध्यान रखने में गुजर जाता है, इसको फीड कराने में। कुछ खास चीजें थी नहीं इसके बारे में बताने की, तो मैंने अभी तक बताई नहीं। अभी देखो, अभी इसको लग रही है भूख और मेरी अभी तक सिर्फ ये जान है, जान और कमजोरी भी। और मैं आपको और चीजें अपने बारे में बताऊं तो मैं ये बताती हूँ कि मैं पूरे दिन इसका ध्यान रखती हूँ और सब कुछ खा रही हूँ, सब कुछ खाती हूँ जो मिल जाए, सब खाती हूँ। बस फास्ट फूड या फिर जो बोलते हैं ना वेस्टर्न फूड होता है, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करती हूँ। पिज्जा वगैरह नहीं खाती, बहुत मिनिमम है मेरी लाइफ में उसका काम। महीने में एक या दो बार, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं खाती। कभी तो मेरे हस्बैंड बिलाते ही नहीं है मुझे। पानी खूब सारा पीती हूँ। जब ये पैदा भी नहीं हुई थी ना, जब ये पेट में थी तो मैं सिर्फ नारियल पानी ज्यादा पीती थी। अब मुझे नारियल पानी अपने जहाँ जो इलाका मेरा है वहां पर प्रोवाइड नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। बट मैं कोशिश करती हूँ अपना ध्यान रखने की। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल ये बहुत रो रही है तो मैं इसको छुड़ाती हूँ। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक ले बाय।